आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अमेरिका से हारने के बाद भारत के खिलाफ कुछ कर पाएगी पाकिस्तानी टीम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आरजे रौनक। सच्ची बात बताऊं उम्मीद नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या फैक्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अरे इतना अपसेट तो कब्ज वालों का पेट नहीं रहता जितना अपसेट इस वर्ल्ड कप में हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? रणतंत्र शो का नाम है, रौनक मेरा नाम है। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है बढ़िया ही होंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच अब से कुछ ही घंटे दूर है। लेकिन सच बताऊं तो इस मैच को लेकर अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। इसकी वजह है कल हुआ मैच। सुबह सुबह 5 बजे का एक मैच था अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें अफगानिस्तान ने 84 रन से न्यूजीलैंड को हराया। इसके बाद नागिन डर्बी में बांग्लादेश ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया। कल को हुए मुकाबले में नीदरलैंड ने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को पेल दिया था, लेकिन डेविड मिलर ने साउथ अफ्रीका को जलील होने से बचाया। और भी कल हुए आखिरी मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गई। लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में इसलिए डरा हुआ हूं क्योंकि अभी तक कमजोर टीमें मजबूत टीमों पर भारी पड़ रही हैं। उस हिसाब से आज डर का माहौल है। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान को हल्के में लेना भारी पड़ा है कई लोगों को। हाँ ये बात सच है कि उनको अमेरिका ने हरा दिया है और उनकी बची खुची इज्जत भी जा चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया को परेशान नहीं कर पाएगी? बिल्कुल गलत। पाकिस्तान टीम के साथ अच्छी और बुरी बात यह है कि सामने वाली टीम को, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान को नहीं पता होता कि मैच वाले दिन वो कैसा खेलेंगे। पाकिस्तान की खासियत ये भी है कि वो ओपोनेंट के लेवल पर खेलते हैं, यानी जो अमेरिका से खेलेंगे तो अमेरिका जैसा खेलेंगे, और जब इंग्लैंड से खेलेंगे तो इंग्लैंड जैसा, और जब इंडिया से खेलेंगे तो वहां पर इंडिया वाला स्किल सेट लेकर आएंगे। वैसे भी उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी इंस्पिरेशन यही है कि इंडिया को हरा दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान हारा तो उसका टूर्नामेंट से बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। और जिस हिसाब से नाराजगी इस वक्त पाकिस्तान में है, ये लोग जब वापस जाएंगे तो कराची एयरपोर्ट के आधे घंटे टॉयलेट में गुजरेंगे क्योंकि पब्लिक बाहर से निकलने नहीं देगी। बस यही इनकी मोटिवेशन बन सकती है कि इंडिया के खिलाफ जीतना है। इसमें इनकी मदद कर सकती है न्यूयॉर्क की पिच, जिस पर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आयरलैंड खेल चुकी हैं। लेकिन यहां पर 100 रन बनाने वाली पहली टीम कनाडा बनी है। यहां पर टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता तो उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। दूसरा, उनके इनफॉर्म ऑलराउंडर इमाद वसीम भी इस मैच में वापसी करेंगे। इंडिया के लिए बुरी खबर यह है कि इसकी वजह से आजम खान को ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए कोई बुरी खबर नहीं है। माई 11 सर्कल ऐप पर आपको फ्री में 5,000 रुपए मिलेंगे आज, और वो भी बिना कुछ किए। मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन इतनी तो कर ही लोगे। इतना करने से आपके अकाउंट में फ्री में 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। बस ध्यान रखना कि ये ऑफर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से एक्टिवेट होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इस 5,000 से आप मेगा कॉन्टेस्ट खेलना, जहां पर आपके पास मौका होगा 1 करोड़ जीतने का। आज के मैच की टीम भी मैं आपको बनाकर बता दूं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, और मेरा कूपन कोड लगाकर पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले हमारी हालत थोड़ी चिल है। आयरलैंड से मैच जीतने के बाद टीम न्यूयॉर्क घूम भी रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है, और उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन कितने पानी में है। इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने नेट में अर्शदीप के खिलाफ प्रैक्टिस करी, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के पास आमिर और शाहीन के रूप में 2 बढ़िया लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है। अगर इन दोनों को पार पा लिया तो पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होगी भैया रोहित के खिलाफ, और विराट के खिलाफ तो उनको हमेशा से दिक्कत रहती है। ऐसा लगता है पाकिस्तान का जन्म इसलिए हुआ है ताकि विराट कोहली उनको वर्ल्ड कप और आईसीसी टूर्नामेंट में पेल सके। बात तो सही है। मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ओपनर्स के अलावा बाकी किसी की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। यानी ऋषभ पंत अगर 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे नहीं आ सकते। जरूरत पड़ने पर सूर्य कुमार यादव या फिर शिवम दुबे भी ऊपर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को हटाकर कुलदीप यादव को भी रोहित शर्मा टीम में मिला लेंगे, क्योंकि यादव जी का लड़का जब जब खेलता है पाकिस्तान को पेलता है। आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच रोमांचक होगा या एक तरफा होगा और इंडिया ही पाकिस्तान को धोड़ा लेगी? बाकी आप हमारे पड़ोसियों को ये भी सजेशन दे दो कि हारने के बाद उनको टीवी किस तरह से तोड़ना है, शायद उनके कुछ काम आ जाए। हमारे से याद आया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके काम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि आज है आपके पास मुफ्त में 5,000 जीतने का मौका। मैं आपको बता देता हूँ आज होने वाले मैच की मेरी टीम माई 11 सर्कल ऐप वाली। विकेट कीपर है ऋषभ पंत, मोहम्मद रिजवान, बल्लेबाजी करेंगे फखर जमान, उस्मान खान, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शादाब खान, जबकि गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद आमिर। कप्तान में विराट कोहली को बनाऊंगा, और भाई उनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड ही ऐसा है तो उनको कप्तान बनना चाहिए। बाकी वाइस कैप्टन बना रहा हूं मैं हार्दिक पांड्या को। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, टीम बनाओ और करोड़पति बनने का मौका पाओ।
पर याद रखना दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी नहा धो के शाम को तैयार रहना, 8 बजे मैच देखना और फिर कल सुबह टाइम से आ जाना क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत। भाई आज का मैच जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना, एक तो भाई इसमें पाकिस्तानी टीम जो है वो सारे दाव पेच लगा कर खेलना चाहेगी, क्योंकि अगर आज का मैच जो है पाकिस्तानी टीम जो है अगर हार जाती है तो भाई टूर्नामेंट से तो आउट होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट जाएंगे। लास्ट टाइम पर भी बहुत ज्यादा दिल टूट गए हुए हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद अब फैंस उस तरीके से एक्सपेक्ट भी ना कर पा रहे हो, क्योंकि जब वो यूएसए की टीम से हार गए हैं तो इंडियन टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आरजे रौनक की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, ये एक है पाकिस्तानी टीम के बारे में कि इनको खुद भी नहीं पता होता कि ये लोग कैसे खेल जाएं। चले तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। ये चीज़ वाकई में है, मतलब मैं मानती हूँ, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल होकर सोचें तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, मतलब इंडियंस की बैटिंग बॉलिंग वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट अब हालात किस डायरेक्शन में जाते हैं ये तो मैच होगा तो पता चलेगा। और मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मैंने तो हमेशा ये चीज देखी है जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है मैंने पाकिस्तानी टीम को, अब की टीम को कभी भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं देखा। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वही शेक हो जाता है। ये वाकई कभी समझ नहीं लगती है भाई क्यों कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा क्यों शेक रहता है। अच्छा मेरा ख्याल भाई टीम पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अभी जैसे यूएस के साथ जो है मैच हुआ तो उसमें आप प्लेयर्स को देखते हैं ना तो आपको जो है ना वाकई, मैं यहाँ पे भाई किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा क्योंकि अगर देखा जाए ना तो भाई एक बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं रहीम कॉर्नवाल नाम है जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, अगर आप वो देखें उन्हें वो भी काफी ज्यादा जो है फेड है, लेकिन आप उनकी गेम देखते हैं ना तो भाई आपको उनकी गेम में छक्के चौके अच्छे खासे जो है वो नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस लेवल के प्लेयर हैं और अगर आपका बॉडी मास भी ज्यादा है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भाई उस तरह के प्लेयर नहीं है और आपसे जो है बॉल भी हिट नहीं हो रही, आप जो है बहुत जल्दी जो है वो आउट भी होते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर जो है ना जो टीम सेलेक्टर है ना उन्हें इस चीज के बारे में जो है वो सोचने की टीम जो है ना वो इस तरह की भेजें जो वाकई भाई कम से कम ऐसी टीमें जो चले ठीक है जो सदियों से खेलते आ रहे हैं उनसे आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं उनसे भी आप हार रहे हैं तो भाई फिर लगभग जो शायकीन जो हैं जो लाख लाख दो दो तीन तीन लाख रुपए की टिकट लेकर यहाँ से गए हुए हैं या वहां से जो है कोई पहुंचे हैं तो भाई दिल तो टूटता है ना। और सोने में सुहागा ये कि यूएसए की टीम में से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो मतलब फिर भी वो लोग इतना अच्छा खेल कर गए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता भाई कि उस दिन उनका दिन था और उस टीम का दिन नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। बट खैर अभी हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो चाहे पाकिस्तान हार जाता है लेकिन ये है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है एक लोगों में ना जज्बा तो होता है मैच देखने का, लोग कैफेज में भी जाते हैं, स्क्रीन भी लगती है। आई डोंट नो कि इस मरदा अब लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि यूएसए के से हारने के बाद, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैच चाहे मतलब जो भी है लेकिन मैच जो है ना वो मजे का होना चाहिए, लाइक एफर्ट नजर आनी चाहिए, मुझे उस गेम का मजा आता है। पता नहीं पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी हम जिस मैच का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं ना वो मैच हमें वन साइडेड देखने को मिलते हैं, फिर आपको उसका इतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो मैं ये चाहूंगी कि पाकिस्तान चाहे मैच जीतती है या हारती है उसका उतना ज्यादा वो चीज नहीं है कि लाइक उनको जीतना ही जीतना है, बट अच्छी गेम खेलें, क्योंकि अच्छी गेम खेलेंगे ना तो शायद इनको मजा भी आएगा और उनको हारने पर फिर दुख भी नहीं होगा। भाई सबसे बड़ी चीज ही है ना कि आप गेम किस तरह खेलते हैं, अभी जैसे लास्ट हम जितने मैच देखते हैं आपको उसमें एक यही चीज नजर आती है कि भाई आपको एक तरफा मैच जो है वो नजर आ रहा होता है, आपको पता चल रहा था कि यार बस अब जो है ना वो बस खत्म, यानी कि आप जो है ना बीच में अधूरा मैच छोड़ के घर जा सकते हैं, तसल्ली से घर जा सकते हैं बगैर दिल में कोई रिग्रेट रखे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि T20 के मैचेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ये भी एक हकीकत है कि आपको नहीं पता होता कि किस टाइम पर किसकी जो पलड़ा है ना वो भारी हो जाए। अभी जैसे मतलब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, मतलब सीरियसली मैं सुनकर ये भी हैरान हो गई थी कि लाइक और वो भी अच्छे खासे स्कोर से यार, नीदरलैंड्स भी तो हराने लगी थी ना। हाँ लेकिन मैं एक बात ये बात कर रही हूँ कि लाइक आप मतलब जो नहीं सोच रहे होते ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट भी चीजें जो चली जाती है। लेकिन अभी खैर जो हम लोग बात करें ना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल इंडिया की ही है और वो 69% बताई जा रही है और हम 31 पे भी फिलहाल खुश हैं, तो जल्दी देख रहे हैं कि 31% कम से कम 1% या 0.8 जब मैच हो रहा था ना उसमें बिल्कुल 0.81% यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो अभी वहां पे नहीं है, तो अभी मैच देखेंगे तो फिर पता चलेगा क्या बनता है और बाकी कल देखते कल क्या होती है। बट एक चीज मैं बताऊं, पहले ना बड़ा एक प्रेशर होता था मुझे कि ये मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना
लेकिन अब मुझे ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं फील होता, क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि मैच जो है ना, मतलब हमें अच्छी गेम जो है ना वो देखनी चाहिए, रादर देन के कौन सी कंट्री का मैच, और अगर हाँ। आपकी फेवरेट टीम्स हैं, आपको ये चीज देखनी चाहिए एज ए क्रिकेट लवर कि वो मैच अच्छा खेलें। सो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं भाई आज की गेम कैसी जाती है। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमें पता है कि आपको क्या लग रहा है कि किसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमें भी यही लग रहा है। गूगल भी तो खुद ही कह रहा है। नहीं, हमें भी एक्चुअली में यही लग रहा है कि इंडिया के चांसेस ज्यादा है कि वो मैच जो है वो जीतेगा। अब किस तरह से मतलब गेम होती है वो आज हम देखेंगे बैठकर, और इसी के साथ हम इजाज़त मार वीडियो चालू करें। वीडियो गुड बाय।